मैंने सुना तो कह रहा था कि डीसीपी चित्रोले मेरे सामने कुछ नहीं है, बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को। वैसे सर होशियार तो मैं हूँ। अच्छा सुना तुमने? हाँ सर। क्या ये होशियार? आप है तो सही सर, पर मेरे से ज्यादा होशियार नहीं हो सकता है। दे कॉल मी चित्रोले। सर दे कॉल यू बाय सो मेनी अदर नेम्स आल्सो सर, आपको और भी कई नामों से बुलाया जाता है मालूम है आपको? अच्छा किस नाम से बुलाते? सर पंगा हो जाएगा। होने दो पंगा, बताओ। सर पंगा हो जाएगा। मैं सामने हो तो चित्रोले, नहीं तो खड़ूस। खड़ूस नहीं, ये एक नाम है आपका। और सर जाने दीजिए ना, बुरा लगेगा आपको। सर बुरा तो अब लग गया है, अब तो मैं जान के ही रहूंगा। बताओ बताओ बताओ। ठीक है सर, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो ये लीजिए, डीसीपी पनौती, अकल का दुश्मन, पहला माला खाली, बची हुई बिरयानी, दिमाग का दही, बदबूदार सॉक्स। और कुछ बचा? एक है। बोल दो वो भी। पेट में दबा के क्यों रखा है? दर्द हो जाएगा पेट में। नहीं नहीं सर, आपका दिल टूट जाएगा सर, छोड़िए ना। टूटने दो, चूर चूर हो गया पहले से। बस एक है, गेंडे की खाल। किसने रखा ये नाम? जाने दो ना सर। ये चाड़ूंगे मैं गेंडे की खाल हूँ। बोल। हाँ है, आप गेंडे की खाल हैं। अब चढ़ा दीजिए मुझको फारसी पर। और आप गेंडे की खाल इसलिए है क्योंकि किसी बात का आप पर कोई असर नहीं होता है। गेंडे की खाल बिलबिला रही है। चल तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ तेरे घुटनों में कितनी अक्कल है। पूछे। साड़ूंखे जाने दे, बस जाएगा। पूछे आप पूछे। अच्छा सुन, एक शाम को एक एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर दूर एक आदमी ऊपर से गिरता है जमीन पे। कहाँ से गिरा? ऊपर से। कितने हजार फीट से गिरा ये मालूम नहीं, मगर उसके शरीर की 110 हड्डियां टूट गई। कितनी? 110। कितनी होती है हमारे शरीर में हड्डियां? 206। 206। होशियार है? कहा था सर। लाश की जेब में से एक टिकट मिलता है, एक एयरलाइंस का टिकट। लगता है वो किसी प्लेन में बैठा हुआ था। कौन सी एयरलाइन थी सर? आंसर चाहिए, ऐसे नहीं बताऊंगा। उस वक्त आसमान में 10-12 प्लेन थे वहां पे, अलग अलग एयरलाइंस के। लेकिन टिकट तो एक ही एयरलाइंस का था ना भाई साहब? जितने भी प्लेन उस टाइम आसमान में थे उन सब ने बोला उनका एक भी पैसेंजर गायब नहीं था। किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला, कोई भी प्लेन से नहीं कूदा है। कोई दरवाजे को हाथ भी लगाता तो हंगामा हो जाता है ना। तो फिर साड़ूंखे साहब, ये गेंडे की खाल वाला आदमी ये पूछ रहा है एसीपी साहब कि अगर ये आदमी प्लेन में से नहीं कूदा है तो आया कहां से? मेरे तरफ मत देख, मैंने बोला था तुझे। ठीक है, अगर दोनों की टटर पटर हो ही रही है तो मैं एक 3 ऑप्शन दे देता हूँ। एक, ये आदमी शायद किसी रॉकेट में से गिरा है। ऑप्शन नंबर 2, इसे किसी ने पैराशूट में से फेंक दिया है ना। एंड ऑप्शन नंबर 3, शायद किसी प्लेन में ही था ये, मगर बाहर कैसे आ गया पता नहीं। इसका जवाब मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए, समझे? और अगर जवाब नहीं दिया ना सालों के तो तू गया सीआईडी में से। गेंडे की खाल बोलता है, देख ले। और एक बात, आधे घंटे बाद जब लोगों को इस आदमी की लाश मिली थी तब लाश एकदम ठंडी थी बर्फ की जैसी, और नसें फटी हुई थी, समझे? जल्दी से जल्दी जवाब चाहिए, जल्दी से जल्दी, वरना चिट्ठी सीआईडी में से।
लता सोलंकी, इस चित्रोले के सामने अपनी होशियारी मत दिखाया कर। अब चला दिया ना चित्रोले ने चक्कर। देखा आपने, सबको काम पे लगा दिया। आप भी सोचो आदमी गिरा कहां से। एपिसोड खत्म होने पे सही जवाब बताएंगे आप। तब तक आज की कहानी देखो। थैंक यू। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आई एम सॉरी, मैं किसका वेट कर रहा हूँ? पता है, इसलिए तो मैं यहाँ आई। मतलब? मतलब ये कि आप जिसका वेट कर रहे हैं वो मैं ही तो हूँ। आप जो स्टील के लिए आए वो डील मेरे साथ ही होगी। वो पैकेट आप लाएं। और जो चीज मुझे चाहिए वो आपके पास है। लीजिए। बाकी की सारी चीजें देखिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बट मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। देखो, हमारे काम में कोई भी चीज आसान नहीं होती और वक्त की कीमत होती है। अगर वक्त पे काम नहीं हुआ तो उसकी कीमत नहीं मिलेगी। मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। दो दिन है आपके पास। 2 दिन के अंदर अंदर मुझे वो सारी चीजें चाहिए। ठीक है, मैं 2 दिन में कुछ करता हूँ। गुड। वो मेरा वाला पैकेट यानी 2 दिन बाद मिलेंगे। चल रहे, सी यू। Thank you.
कब से फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे यार ड्राइव कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए फोन उठा के बात नहीं कर सकते थे? मैं थोड़ा बिजी हूँ, काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा घर कब आ रहे हो? देखो मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, और मैं अब ये छुप छुप के जीना नहीं चाहता। आज तो मैं इस परेशानी का अंत करके ही रहूंगा। क्या करने वाले हो बताओ मुझे, तुम क्या करने वाले हो? फ्रेडी सर, इन दोनों की मौत हो चुकी। अनुराग की गाड़ी में से ये गन मिली है। फोरेंसिक लैब में भेज दो। यस सर। क्या हुआ यहाँ पर? मैं यहाँ से अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था, और तभी हमने देखा कि हमारे सामने से वो वाली गाड़ी सन्ने से निकल गई। हम डर गए, घबरा गए, यहाँ तक कि वो ड्राइवर को गालियाँ तक भी दी, पर फिर भी वो रुकने की नाम ही नहीं ले रहा। और फिर वो गाड़ी सामने से आती हुई गाड़ी को टकरा गई। सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, और सर वो वाली गाड़ी की गलती थी सर। अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ है सर। एक्सीडेंट नहीं, खून है सर। सर मेरे पति का खून हुआ है सर, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि आपके पति का खून हुआ है? कई दिनों से मेरे पति को जान से मारने की धमकी आ रही थी, कोई उनकी जान लेना चाह रहा था सर। कौन उनको जान से मारना चाहता था, कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, बस सर मेरे पति को देर रात धमकी भरे कॉल्स आते थे सर। अच्छा जो भी ये धमकी भरे फोन कर रहा था, क्या उसने कभी आपके पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? जी हाँ सर, उन्होंने मेरे पति के डेंटल क्लिनिक को भी तहस नहस कर दिया था सर। डेंटल क्लिनिक? तो क्या आपके पति डेंटिस्ट हैं? जी हाँ सर, अनुराग बहुत बड़े डेंटिस्ट थे सर। देखिए जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसका ड्राइवर भी मर गया है, अगर वो उनकी जान लेना चाहता तो अपनी जान खतरे में क्यों डालता? सर वो मुझे नहीं मालूम सर, बट प्लीज आप मेरा विश्वास कीजिए सर, मेरे पति एक्सीडेंट से जस्ट पहले किसी चीज को देख के चिल्ला रहे थे, और सर मैंने भी सुना। वो आपने सुना कैसे? सर मैं एक्सीडेंट से पहले उनसे फोन पे बात कर रही थी। ओह सर, अनुराग का मोबाइल फोन मिला है, पूरा टूटा हुआ है, कोई फोन नंबर या मैसेज वगैरह दिख नहीं रहे। कोई बात नहीं, इसका सिम कार्ड निकाल लो, सब डिटेल मिल जाएंगे। और ये दूसरी लाश के बारे में क्या पता चला? सर मैंने गाड़ी और आसपास के एरिया छामा, कोई फोन या आईडी वगैरह नहीं मिला। गाड़ी के पेपर वगैरह? सर वो भी नहीं है। इसके माथे पे थोड़ा सा कट है और कहीं ज्यादा खून दिख नहीं रहा है। गड़बड़ है अभी, बहुत बड़ी गड़बड़ है। और फिर अनुराग को धमकी भरे फोन भी आ रहे थे, पता लगाना पड़ेगा कौन है ये जो अनुराग को धमकी भरे फोन करता था। सड़के मरने वाले की वाइफ ने बताया कि उसके हस्बैंड का खून किया गया है। हो सकता है वो सच बोल रही हो, लेकिन खून किया किसने? ये लो सर, एक कार ने आके इसे जबरदस्त टक्कर मारी है। आई
ये तो सच बोल रहे हो आप लोग। यार हम झूठ क्यों बोलेंगे भाई? सर लगता है आपको ये केस ठीक से समझ में नहीं आ रहा हूं। ये आदमी अपनी गाड़ी में जा रहा था और इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रास्ते में कोई इसका इंतजार कर रहा है, और जैसे ही ये वहां पहुंचा एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई और इसकी गाड़ी को जबरदस्त टक्कर मारी। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी मुझे समझाने के लिए। आपके पैर छू लूं? मेरे पैर? सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। ये तो क्या बोल रहा है सारुंगी? खूनी क्यों है? ये तो गए काम से। हाँ ये खूनी आपके सामने लेटा हुआ है सर। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। सर इन्हें हसेरिया रुलेरिया हो गया, एक शरीर के अंदर दो दो आदमी। एक हतरा एक रोना है। कूनी कूनी कहाँ है? सर मैं जरा इन्हें बताऊं। सर इस लाश को खूनी कहते हैं। क्या कहते हैं? खूनी। खूनी चाहे लाश बनकर कहीं भी छिप जाए सर, खूनी खूनी ही रहेगा। सर ये खूनी है, देख ले। सर इसको भी हसेरिया और रुलेरिया हो गया है। सर ये मुर्दा मुझे देख के हंस रहा है। सर खूनी कहाँ है? ये खूनी नहीं है क्या? नहीं ये खूनी नहीं है। अरे कार तो यही चला रहा था। सर ये जब कार में बैठा तभी मरा हुआ था। हा? इसका शरीर अब अकड़ना शुरू हुआ। तो अकड़न चेहरे से शुरू हुई है सर। इसका मतलब ये है कि ये 4-5 घंटे पहले ही मर चुका था। एक मरा हुआ आदमी कार कैसे चला रहा था? ये तो आप पता करो सर, आप पहुंचे हुए डिटेक्टिव हो सर। खूनी कहाँ है? मेरी जेब में। एक ही बात रटी जा रहा है, खूनी कहाँ है, खूनी कहाँ है? सर प्लीज आप ही बताइए ना, ये मरा हुआ आदमी गाड़ी कैसे चला रहा था? सर डॉक्टर साहब ने हमारा थोड़ा दिमाग खाया पर। थोड़ा खाया? थोड़ा खाया? अरे दिमाग का हलवा बना दिया उसने। आजकल तो हर बात में ड्रामा करता है। सर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है मजाक करने की आदत भी बढ़ती जा रही है। मतलब थोड़ी दिनों में सर्कस में दिखाई देगा। क्या मालूम सर। सर मगर हमारा काम तो कर दिया। इतने वो टूटे हुए फोन में से एक चीज निकाल के दिए सर। सर सर सालों के सर ने सीडी भेजी। किसी की आवाज है इसमें? हाँ सर, अनुराग को किसी ने फोन पर धमकी दी थी और वो धमकी उसने रिकॉर्ड कर भेजी थी। चलो सुनते सर। सर अब ब्यूरो के स्पीकर्स पे ये आवाज सुनाई देगी। तू चाहे कहीं भी जाके छिप जा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। तूने जो किया उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पूर्वी पूर्वी एक मिनट, जरा फिर से चला। मैंने ऐसा क्या कर दिया अनुराग ने कि कोई इसे खून का प्यासा हो गया है? तू चाहे कहीं भी जाके छिप जा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। तूने जो किया उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो ये पीछे घंटे की आवाज आ रही है। हाँ, यही मार खा गया वो। उसने ये नहीं सोचा कि घंटी की आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। हाँ सर, और जिस रिदम में ये बज रहा है ऐसा लगता तो नहीं है कि किसी मंदिर के घंटी की आवाज है। सर लगता है किसी चर्च का है। हाँ चर्च का ही है। इस चर्च को तो हम ढूंढ सकते हैं, और अगर इस चर्च का पता लगा ना तो आसपास इस आदमी का भी पता लगा सकते हैं। हाँ सर, अपने घर में ही बैठकर ये धमकी रिकॉर्ड की होगी उसने।
बाहर से तो करेगा नहीं। सर जिस गाड़ी से उसने टक्कर मारी थी उस गाड़ी से भी तो हम लोग उसे ढूंढ सकते हैं। सर हम लोग ने बहुत मेहनत करी सर, हम लोग बहुत थक गए सर। किस लिए भेजा था तुम्हें? गाड़ी का पता लगाने के लिए ना? गाड़ी का पता लग गया है सर। किसकी है गाड़ी? रोमित चिंचोरा की है। उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है। कोनी ने कार चुराई अनुराग को मारने के लिए। कहां से चोरी हुई थी कार? शंकर नगर रोड नंबर 5। अरे सुनो जरा भारत। क्या हुआ साहब? हम लोग सीआईडी से। अरे साहब मैंने क्या किया है? मैं तो ईमानदारी से अपना धंधा चलाता हूँ। अरे तुमको गिरफ्तार करने नहीं आए, तुमसे कुछ पूछना है। सुनो तुम अपनी ये दुकान देर रात तक चलाते हो ना? जी साहब, रात के 2 बजे तक आपको भुर्जी पाव मिल सकता है। तो जरा सोच के बताओ, 2 रात पहले वहाँ सामने तुमने कोई अजीब हरकत देखी जिसपे शक हुआ हो, जैसे कोई गाड़ी चुराने के लिए आया हो? नहीं साहब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। सर यानी कि चोरी रात को 2 बजे के बाद ही हुई होगी। इस आदमी को यहाँ पहले कभी देखा है? साहब ये तो मोहन है, ये तो सड़क पर इधर उधर घूमता रहता है, भीख मांग कर अपना गुजारा करता है साहब। अब साहब ये तो किस्मत का मारा है बेचारा, अब इसे कैंसर है साहब, मरने वाला है बेचारा। मर गया क्या? हाँ मर गया, और इसी ने शायद गाड़ी चोरी करने की कोशिश की है। अरे साहब ये क्या गाड़ी चुराएगा, इसे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती होगी। अच्छा ये मोहन रहता कहाँ था? झोपड़ा तो एकदम खाली है, फुल सन्नाटा। झोपड़े को देखकर लगता नहीं यहाँ कोई आता जाता भी होगा। एक बात तो पक्की है, खूनी को पहले से पता था कि मोहन बीमार है। उस बेचारे मोहन को उसका समय आने से पहले ही उसको मौत दे दी। और दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए उसने उसकी लाश को गाड़ी में रख दी और उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये चर्च की घंटी सुनाई दे रही है? हाँ सर, ये तो बिल्कुल वैसी घंटी की आवाज है जैसी उस धमकी वाले कॉल में आई थी जो अनुराग को किया गया था। सर मतलब खूनी ने अनुराग को यहीं आसपास से धमकी का कॉल किया था? अब समझ में आ रहा है, इस पूरे साजिश में खूनी ने 2 चीजों का इस्तेमाल किया है। एक ये मोहन जो यहाँ रहता है, और दूसरी वो गाड़ी जो यहाँ पास से ही चुराई गई थी। और खूनी ने जो फोन कॉल किया था उसमें पीछे चर्च की घंटी की आवाज आ रही है, मतलब वो खूनी यहीं कहीं आसपास ही रहता है। सर यहाँ पे तो सिर्फ ये एक ही घर दिख रहा है, तो फिर उस खूनी ने कॉल कहाँ से किया होगा? से तो बहुत बदबू आ रही है, लगता है यहां पे कुछ हुआ है। सर घर खाली है? सर खाली नहीं है, बहुत तेज बदबू है जिसे लाशों से आती है। छान मारो। अरे बाप रे सर, इसकी तो कंडीशन बहुत खराब है। सर लगता है ये लाश बहुत दिनों से यहां रखी हुई है। कमरे की तलाशी लो। सर ये लव लेटर्स मिले। सर यहां से भी 2 लेटर मिले हैं, बेनाम लेटर। किसी का नाम नहीं है सर, सिर्फ डार्लिंग बेबी आई लव यू लिखा हुआ है। लव लेटर्स, ये काम करो इन लेटर्स को फिंगरप्रिंट और हैंडराइटिंग एनालिसिस के लिए भेज दो, शायद कोई क्लू मिल जाए।
कोई आया है, खूनी हो सकता है। मारे जाओगे, धमकी देने वाला ये लिखकर चला भी गया और किसी ने देखा भी नहीं सर। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पर? सर 4-5 लोग हैं, कह रहे थे कि रात में लिख के चला गया, उनकी ड्यूटी रहती नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं। मतलब रात को लिखकर चला गया और अनुराग आज मारा गया। हाँ पूर्वी, क्या है? सर ये देखिए, इतना सारा पैसा फ्रिज में। केमिकल्स? ये तो बम वगैरह बनाने में काम आता है। माय गॉड, अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोग्लिसरीन। सर इतने खतरनाक केमिकल्स एक डॉक्टर के कैबिन में। ओ, फ्लश टैंक में मोबाइल। अभिजीत या अनुराग, इस डेंटल प्रैक्टिस की आड़ में कुछ बड़ी गड़बड़ कर रहा था। जरूर सर, हो सकता है अनुराग जिसके लिए काम कर रहा हो उन्हीं लोगों ने उसे मरवाया हो। हो सकता है सर। हाँ आप रेडी? ये मोबाइल फोन मिला है, बाथरूम में छुपा के रखा था, फ्लश टैंक में। जिंदा है? बड़ी अजीब बात है, इस फोन में सिर्फ एक ही नंबर है और सिर्फ एक ही मैसेज। मैसेज है, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, सामान लेकर उसी जगह पे आ जाना जहां पर हम हमेशा मिलते हैं। इसको अनुराग बन के मैसेज करें क्या सर? करो, अभी पता चल जाएगा। हेलो, माल तैयार है? तैयार है। हाँ ठीक है, कल 2 बजे मिलते हैं उसी जगह पर, आ जाओ। ओके। एक बात है कि सामने वाला जो भी है ना, उसे पता नहीं कि अनुराग की मौत हो चुकी है। आसा 2 बजे ठिकाने पे मिलो। पहले इस ठिकाने का पता करना पड़ेगा सर, फिर वहां चल के देखते हैं ये अनुराग किससे मिलने वाला था। गाने चेक वो तो नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को जरूर एडवाइस दूंगा कि आप अपनी गन नीचे कर लें। हम लोग CID से, हम दोनों एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं। ATS मुंबई। ATS? हम कैसे यकीन कर ले कि तुम ATS से हो? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा तुम CID से हो। ID चेक कर ले। निकल। सही कह रहे हैं, ये ATS मुंबई से विक्रांत है।
इंस्पेक्टर दया सीआईडी से। गन पॉइंट पर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। श्रेया, निखिल, पंकज, हम लोग तो यहाँ पे एक मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे। एक एटीएस ऑफिसर यहाँ कैसे? कुछ सालों से एक टेरा ऑर्गेनाइजेशन का स्लीपर सेल हमारे स्कैनर में कुछ ही हफ्तों पहले एक्टिव हो गया। उसी की एक लीड मिली थी इसलिए मैं यहाँ। अंदर खुशबू आ रही है, कोई मेहमान है? इसे देखकर तो ये लग रहा है कि मरने के बाद भी इसे शांति नहीं मिली। ये कौन है, पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला, कोई आईडी नहीं मिला। ब्रेसलेट ही नहीं, ब्रेसलेट पहनने वाली भी वही है। इसे ही ढूंढते हुए आया था। नताशा। ये नताशा कौन है? हम एक राणा नाम के दलाल का पीछा कर रहे थे। वो यहाँ के लोकल यूथ को अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूट करता था। फाइनली जब हमारी उससे मुलाकात हुई किधर देख रहे हो? वो गौठान से ही आएगा। चिड़िया घोंसले में आ गई मेरे लेफ्ट में। इस औरत का भेजा जमीन चाटने लगेगा। छोड़ दे, बच कर नहीं जा सकता। जा भाई पे। छोड़ दे उसे। नीचे रख। ठीक है, अभी और भागना पड़ेगा। और इस तरह वो हमसे ही नहीं अपनी जिंदगी से भी आजाद हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अपना सेलफोन। सेलफोन से कुछ खास मिला तो नहीं, क्योंकि उसमें एक ऑटो डिलीट सॉफ्टवेयर था। सेलफोन ऑन करते ही सब कुछ डिलीट हो गया, लेकिन उसके IMEI नंबर और सीरियल नंबर से हमें ये पता चला कि वो सेलफोन बेचा कहां से गया था। इसके शॉप से, नताशा के शॉप से। वहां के लोगों का यह कहना है कि कुछ दिनों से वो वहां आई ही नहीं, और आई विटनेसेस के मुताबिक वो आखिरी बार यहां देखी गई थी। मतलब नताशा का खून और हमारा ये मर्डर का केस जुड़ा हुआ है। तो सर, ये अनुराग का फोन पिछले हफ्ते कहां कहां पे गया था वो सब दिख रहा है इस मैप में।
यहाँ है अनुराग का घर अंधेरी में। ये यहाँ पे गांधीवली में उसका क्लिनिक सर। हर रोज घर से सीधा क्लिनिक जाता था और क्लिनिक से सीधा घर। बस सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को वो घर से निकलकर सीधे गांधीवली जाता था सर। फिर अचानक क्या हुआ, अगले दो दिन ये बृहस्पतिवार और शुक्रवार दोनों दिन घर में बैठा रहा। उसे अंदाजा हुआ होगा कि जान को खतरा है। जान को खतरा है ये मालूम था, फिर भी वो सीआईडी के पास नहीं है, ना ही पुलिस स्टेशन गया। आएगा भी कैसे, गड़बड़ काम जो कर रहा था, बॉम्ब बनाने का सामान बेच रहा था, वो हमारे पास आएगा ही नहीं। फिर शनिवार को कुछ हुआ सर। शनिवार को वो निकल पड़ा, वाइफ से बोला कि गांधीवली जा रहा हूँ, पर गांधीवली नहीं गया, यहाँ से सीधा हाईवे पकड़ा। हाईवे से गया सर ये यहाँ बोरीवली, और वहाँ पे रुका नहीं, वहाँ से पलटी मारी और फिर इधर उधर घूमता रहा। बिल्कुल वही कर रहा था सर, जब किसी आदमी के पीछे कोई लगा हो या फिर उसे शक हो कि कोई उसका पीछा कर रहा हो, यहाँ वहाँ गाड़ी घुमाना और फिर वहाँ से वापस घुमा और सीधे अंधेरी की तरफ आया सर। पर वो अंधेरी में रुका नहीं सर, वो आगे बांद्रा गया। लंबा प्लान था उसका। हाँ सर, और बांद्रा से भी उसने यू टर्न लिया और फिर खार में गया यहाँ पर, और यहाँ पर उसका फोन करीब डेढ़ घंटे तक रुका हुआ था सर। सर यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पे उसका फोन रुका था वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जोजीना नाम का, शायद वहाँ पे बैठा था ये। और फिर उसके बाद में अंधेरी गया घर जाने के लिए। हाँ सर, बस घर के पास ही वो एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई उसकी। सर हमें यहाँ इस रेस्टोरेंट में अपना अड्डा जमा लेना चाहिए। अनुराग के मोबाइल से जो मैसेज भेजा था हमने उस आदमी को, वो आदमी शायद यहीं आएगा। कौन आता है? ये कौन चिल्लाया? मैंने पूछा कौन आता है वहां पे। दबा दो। है एक आदमी है सर। कौन? सर आपको नहीं मालूम सर, एक केस है सर, केस। ये तेज तल्ला है, पर मैंने तो तुझ भी नहीं बताया, तुझ भी नहीं। ये क्या मजाक है? हाँ बोलो, क्या मजाक है? कोई मजाक नहीं है सर, वो हम लोग आपको बताने वाले थे। बताने वाले थे, मदल बताया नहीं। नहीं नहीं सर, वो बात नहीं है सर। वैसे सर वैसे आपने ये आवाज क्यों बदली आपकी? नहीं मेरा मतलब है, वैसे सर तो इतने बड़े डिटेक्टिव है, हो सकता है भेष बदल के आप किसी केस के अंदर घुस रहे हो। मेले तो लंदोल तमत्ता है। अरे नहीं नहीं सर, क्या बात कर रहे सर, लंगूर हो सकते हैं क्या? मेला मदा तो लाला है, मदा तो लाला है। मेले पास ते तांते आए था, और ये वितलांत तो ने ये वितलांत। ओ विक्रांत सर। हाँ वितलांत, ते खेत की मूली है ये? नहीं सर, खेत की मूली नहीं है वो, एटीएस ऑफिसर है। मेले तो दिल्ली से फोन आया, वितलांत क्या तल्ला है? अरे वितलांत, मैंने अपने दिल पे तीन बार तपली माली, ऐते ऐते ऐते। आपने तपली क्यों मारी सर? तपली नहीं मालेदा तो दिमाग तलेदा तेते। हाँ। दिमाग अपने आप तलता है? दिमाग ताम तलना चाहिए ना? हाँ, नहीं नहीं चलेगा सर। वैसे ये सब ये तत्पर हुआ कैसे सर? ये ओ अब याद आया मुझे, मैं यहाँ क्यों आया था। मेरी तन भूल दिया मैं, मुझे फ्लैटी तो डोली मार ली है, फ्लैटी तो डोली मार दूंगा। उतने मेले तो टोटलेट खिला दी, टोटलेट टोटलेट टोटलेट, अरे टोटलेट चॉकलेट सर। हाँ वही टोटलेट। ये क्या हो रहा है, क्या कर दिया फ्रेडी? सर ये क्या हो रहा है, क्या खिला दिया फ्रेडी? मेरी तो छुट्टी हो गई। आपके तो मेरी भी छुट्टी होगी सर, मुझे देख रहे हैं।
क्या कर दिया फ्रेडी? अरे बाप रे, मतलब सर चॉकलेट में जहर था। जमीन हिल रही, पकड़ पकड़ जमीन, पकड़ ली पकड़ ली। चल रखिए पैर, हाँ, रखिए पैर पड़ा। रेडी रेडी जरा तू रेडी। मुझे तूने जहर वाला चॉकलेट क्यों खिलाया? सर ये चॉकलेट मैं एसीपी साहब को देने जा रहा था। नहीं, एसीपी को क्यों? सर इनको एक आदमी मिला था सर, उस आदमी ने बोला था ये चॉकलेट एसीपी साहब को दे देना और कहना टेंटोरा ने दी। टेंटोरा, ये नाम सुना हुआ लगता है। उसका नाम सुन के तो ये भी खुश हो गए थे सर। इन्होंने सोचा था एसीपी सर बहुत खुश हो गए, शाबाशी देंगे। हां, अब दूंगा मैं तुझे शाबाश। और एसीपी सर उस टेंटोरा को बहुत दिनों से ढूंढ रहे सर। अबे फ्रेडी, तूने टेंटोरा को वहीं क्यों नहीं पकड़ा? सर मैं एसीपी साहब को पूछे बिना कोई काम नहीं करता। एसीपी का चम्मच फिर क्या हुआ? फिर आप आ गए सर। मैं मिल गया? पर मैंने वो चॉकलेट खाई। अरे सर आप ही ने तो कहा था ये चॉकलेट एसीपी साहब क्यों खाएंगे, मैं खाऊंगा। मैंने ऐसा क्यों किया? ए, ए, फिर इन रख, पकड़ जमीन, पकड़ पकड़ ली, पकड़ ली सर। पंतर जमीन पतर, जमीन पतर। ये फ्लेडी, ये फ्लेडी कौन है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? निकल निकल निकल। चली ऐसी थी तैसी, डोली मार दूंगा, डोली मार दूंगा। ले दे थोतले थाई दबान तली दे। हेल ये बताओ खेत में क्या चल रहा है? अरे किस खेत की बात कर रहे हैं सर? ये केस में केस। हाँ थेट तो सर हम लोग एक रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं, वहां पे फील्डिंग लगाएंगे और खूनी का इंतजार करेंगे। ये वितलांत है थत में? डीतर जी सर। सर 2 बजे बोला था, 2:15 हो गए, अभी तक तो ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है जिस पर शक हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को पहचान के वो वापस चली गई हो? मुझे तो लगता है आप लोग गलत जगह पे बहरा दे रहे हैं, पर वो कहीं और पे काम निपटा रहा होगा। धीरज रखो फेटी, धीरज का फल मीठा होता है। फल फल तो दिख नहीं रहे, यहाँ पे ब्रेड बटर वगैरह दिख रहे। एक काम करूँ क्या, ये खाते खाते मैं पहरा दे सकता हूँ? कुछ मत खाना, खाने पे नहीं काम पे ध्यान दो। सॉरी फ्रेडी खाने का बहुत शौकीन है। बस इस लड़की का जबड़ा 2 जगह से गोली वोली मारी है क्या उसे? कोई गोली नहीं लगी हुई है, लड़की की लाश इतनी बुरी तरह से सड़ी हुई थी कि हमें साफ करना पड़ा। कंकाल पड़ा हुआ है लड़की का मेरे सामने। बस सर अभी का खत्म, आगे जब आप यहां पर आएंगे लैब में तब बताऊंगा। जय सीआईडी। ठीक है
जबड़ा टूटा हुआ है। Time to go. इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। राणा को हमने पकड़ा था, ये लड़की वही थी। ये सब शर ये लड़की थी। हो सकता अनुराग से मिलने यही आई हो। सर ये तो निकल रही है, पीछे करो इसका, निकल ही नहीं चाहिए। अंडिया प्लीज। ये लड़की गई कहां? विक्रम कवर फाड़ दो जल्दी। ओह माय गॉड विक्रम, ठीक हो? फ्लैश मुंडे खोली चुकरी कर गई। सर मर चुका है। ये लड़की कहां गई? सर लगता है भाग गई। लेकिन अपना निशान छोड़ कर गई है। ये देखो ये ट्रेल यहां खत्म होती है, यानी कि यहां से वो किसी गाड़ी में बैठकर भाग गई। भाग के जाएगी कहां? जख्मी है, आसपास के किसी हॉस्पिटल में जाएगी अपना इलाज कराने। सर
मैं आसपास के सभी हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करता हूँ, अगर ऐसा कोई केस आएगा तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। मैं अभी अपने डिपार्टमेंट से उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, अगर यह है कौन। सर वो दिन अब चले गए, चले गए वो दिन। यार जो चले गया उसे जाने दे और तू आगे बोल आगे। बस वो दिन अब चले गए जब मुर्दे मुर्दे होते थे। क्या मुर्दे अब मुर्दे नहीं रहे? तो मुर्दे अब जिंदा हो गए? ये मुर्दा अब सिर्फ मुर्दा नहीं रहा। यार सालों की जब हमें ये मिला तब ये मुर्दा ही था, अब यहाँ आने के बाद तूने इसके साथ कुछ और किया हो तो मालूम नहीं। अच्छा किस हालत में था, क्या कर रहा था? मुर्दे जो करते वही कर रहा था, लेटा था। बस लेटा हुआ था? नहीं, इसके पास कुछ लेटर्स मिले हमें। आई लेटर। क्या हुआ? लेटर? हाँ सर लेटर। मुझे अचानक याद आ गया। क्या? मुझे एक लेटर देना था। किसको? तारिका को। तारिका को? अभिजीत ये क्या हो रहा है? रेडी तुझे तारिका जी को लेटर देने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे सर आप। नहीं नहीं मैंने पूछा जरूरत क्या है। सर आप ही ने तो दिया था। मैंने? हाँ सर। लेकिन वो तो 10 दिन पहले दिया था ना। सर 10 दिन से जेब में पड़ा है। 10 दिन से ये लेटर तो जेब में लेके घूम रहा है? हाँ सर। 10 दिन से तूने पैंट नहीं बदली? नहीं सर पैंट बदली थी मगर लेटर जेब में रह गया। कोई बात नहीं सर अब दे देता हूँ। सर लेटर लेटर में नाक मत डालिए आप प्लीज। अरे सर अब तो नाक डाल दी है। लेटर पढ़ने के लिए मेंढक जैसा मुंह खोला, मुंह फौरन बंद। दिल में लगी आग, लेटर दिया एसीपी को, लेटर खड़ू उसके हाथ में। लेटर पढ़ते ही एसीपी का सिर भन आया, ज्वालामुखी फटने की पूरी उम्मीद। दिल का हुआ तोता। मैं तो हुई मलाई मलाई, इसको हुई खाज, इधर भी मलाई। एसीपी के कान में से निकला धुआं, दिमाग का हुआ दही। अरे निकल पड़े एसीपी लेटर लेके। कोई दीवार ढूंढने जा रहे हैं क्या सिर मारने के लिए? नहीं नहीं नहीं, सिर मारने का इरादा कैंसिल। फिर शॉट का दिमाग, ऐसा क्या लिख दिया अभिजीत ने? हाथ ऊपर उठा लिए एसीपी ने, कहाँ जा रहे हैं हाथ, कहाँ जा रहे हैं? भगवान से कुछ मांगने वाले हैं क्या? आंखों में आंसू, हाथ आसमान की तरफ, लगा दिल में छोंक। ये क्या एसीपी का एक हाथ चल पड़ा है, हाथ जोड़ने वाले हैं क्या, जोड़ने वाले हैं क्या? लेटर पकड़ लिया है, सालुंके के निकली ठकार। ओई लेटर को खींच रहे हैं एसीपी, हवाई जहाज बनाने वाले हैं क्या? नहीं नीचे आ रहा है लेटर, लेटर चेहरे के पास में आ गया है, लेटर चेहरे के पास में आ चुका है, लेटर लेटर फड़ा पियो। दिल पे लगा धक्का, बराती गुल गुलाया, लेटर का बना हलवा। अभिजीत कैच पकड़ने को तैयार, ये दिल फेंका जमीन पे। साड़ुंखे ने खोली चोंच, मुर्दे अचानक खूनी बन गए। चढ़ गई क्लोरीन। सर मुझे लगता है आपको थोड़ी आराम की जरूरत है। मिल गई ना उसके साथ? आपके दिमाग पर असर हुआ ऐसा। ये मुर्दा खतरनाक है, मार डालेगा सबको। इसके तो सारे स्क्रू ढीले हो गए यार। अच्छा देखो फिर। अरे सालुन क्या ये क्या कर रहा है तू? मुर्दा देखो, ये मुर्दा खतरनाक है, सबको मार डालेगा, ये देखो। ये कंकाल तो चमक रहा। हाँ बॉस, इसमें रेडियम घुस गया है, रेडियम से मारा गया इसे।
और इन हड्डियों को कितना भी जमीन के अंदर गाड़ दो, हजार दो हजार साल तक ये हड्डियां ऐसे ही चमकती रहेंगी। इसके आसपास जो कुछ भी होगा उसे खा जाएंगी हड्डियां। इसे जितनी जल्दी हो सके दूर हट जाओ। इसके पास जो भी रहेगा वो मौत मारा जाएगा। हट जाओ यहाँ से, जल्दी चले जाओ, रेडिएशन निकल रहा है इसमें से। अरे लेकिन फिर ये लड़की है कौन, पता कैसे चलेगा? देखो अभिजीत, इसकी सारी हड्डियां टूट चुकी है, इसका डीएनए नहीं हो सकता है। तो फिर इसके जबड़े की सर्जरी हुई है, ये किसी डेंटिस्ट के पास गई है। इसके दांतों का जैसे ही मैं एक्सरे निकालूंगा पता चल जाएगा। फिर तो हम दांतों के डॉक्टर को ढूंढ लेंगे जिसने इसका इलाज किया होगा। कि अभी तुम चले जाओ यहाँ से, जल्दी से जल्दी। तुम दोनों का क्या? डोंट वरी, हमारे पास स्पेशल सूट्स हैं, हम दोनों पहन लेंगे। तुम जाओ, पहन लो जल्दी, हम लोग चलते हैं। तारिका क्विक। अभिजीत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है हमसे। सर मैं तो थक गया हूं, इतने सारे दांतों के डॉक्टरों से मिलके मेरे दांत खट्टे हो गए हैं। हाँ डॉक्टर, कुछ पता चला? जी, एक मैच मिला है। आपने जो दांतों का एक्सरे भेजा था वो हमारे रिकॉर्ड से मैच करता है। तो आपके रिकॉर्ड से जो मैच मिला है, मेरा मतलब उस पेशेंट का नाम क्या नताशा है? नताशा नहीं तो सर, उस लड़की का नाम तो रोज था। रोज? हाँ सर, मुझे अच्छी तरह याद है, जिस दिन वो अपना ट्रीटमेंट कराने आई थी उस दिन बहुत हंगामा हुआ था। हंगामा? कैसा हंगामा? अरे सर, उस दिन बहुत परेशानी हुई, उस लड़की जैसा केस तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। ऐसा क्या हुआ था उस लड़की को? सर उसके दांत का ट्रीटमेंट नया चल रहा था और हमारे उसके दांत में हाथ लगाते ही उसका पूरा जबड़ा टूट गया। सर बहुत खून बह रहा था। जबड़ा टूट गया? अगर दांत तो मजबूत होते। वही तो सर, उसके जबड़े को हमने किसी तरह ऑपरेशन के जरिए जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत परेशानी हुई सर। आपने किया था उसका ऑपरेशन? नहीं सर, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था तो हमने एक विजिटिंग डॉक्टर को बुलाया था। कौन कौन थे वो डॉक्टर? उनका नाम डॉक्टर अनुराग था, वो बहुत बड़े डेंटिस्ट थे, बट अभी अभी उनकी मौत हो गई। डॉक्टर अनुराग? ये है वो? जी हाँ, यही है डॉक्टर अनुराग। पर हुआ क्या है सर? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, बस आप सिर्फ इतना बताइए, क्या रोज के साथ ऑपरेशन के वक्त कोई और भी आया था? सर उसके साथ उसकी फ्रेंड थी और रोज का बॉयफ्रेंड भी आया था, राहुल। और सर? और क्या? सर राहुल उसका बॉयफ्रेंड उसके ऑपरेशन से खुश नहीं था और डॉक्टर अनुराग को ढूंढते हुए यहाँ क्लिनिक भी आया था, बहुत गुस्से में था सर। अभिजीत, लगता है रोज की बॉयफ्रेंड को लगा होगा कि उसकी मौत का जिम्मेदार डॉक्टर अनुराग है और शायद उसी लिए उसने डॉक्टर अनुराग को मार डाला होगा। हाँ सर, राहुल भी यही कह रहा था कि ऑपरेशन से पहले वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब से डॉक्टर अनुराग ने उसका ऑपरेशन किया था तो वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। एक बात बताइए, सुरोज के साथ जो लड़की आई थी कौन थी वो? सर वो उसकी फ्रेंड थी नताशा। ये थी? हाँ सर यही है। जिस लड़की की लाश हमें मिली थी वो नताशा नहीं, रोज है। नताशा भी जिंदा है, हो सकता है ये सब जो हो रहा है इसके पीछे नताशा और ये रोज का बॉयफ्रेंड राहुल ये मिले हुए हो सर। बिल्कुल हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है। ये नताशा और राहुल, क्या इन दोनों के नंबर्स हैं आपके पास? आपके फॉर्म पर होंगे शायद। हाँ सर। सर ये रहा राहुल का फोन नंबर और उसका डिटेल। ठीक है, ये अब रख लेते हैं। इसके सारे रिकॉर्ड्स निकालो। ओए, अरे भाई लैब में अंधेरा क्यों? चित्रोले, अरे यार ये बदनसीबी भी कहां से आ गई? इस सालों के भाग गया क्या? पता चल गया मैं आने वाला हूं। छुपा हुआ है। अरे अबे अबे ये क्या पहन रखा है भाई? है कपड़े पहने हैं ना अंदर? नहीं सर, कपड़े पहन रखे हैं सर। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि आदमी कहां से गिरा, हवा निकल गई उसी में, कपड़े बदल लिए। सूट पहन रखा है सर। हैं?
सूट पहन रखा है, सूट। लूट लूट क्यों बोले जा रहा है? सर आप क्या बोल रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ सूट पहन रखा है, सूट। एसीपी को बोलना पड़ेगा। अरे आप एसीपी को फोन करो चाहे एसीपी के बाप को फोन करो सर, मैं कह रहा हूँ आपको मैंने सूट पहन रखा है, सूट। लूट लूट, चल यार लूट ही सही, माहौल ठीक नहीं है आज यहाँ का। खैर छोड़, ये बता वो लाश देखी कि नहीं, मौत कैसे हुई है? आप खुद ही देख लो। अरे ये क्या छिड़क दिया इसके ऊपर? रेडियम है? रेडियम रेडियम। अरे यहो भगवान, आपकी कोई शब्द तो इस बंदे ने ठीक ठीक सुना, थैंक यू। रेडियम से मर गई है? रेडियम खा लिया क्या इसने? अरे आप नहीं समझेंगे सर, रहने दो रहने दो। हैं? रहने दो रहने दो रहने दो। अरे सर रहने दो। अरे हम कहां से कहने देंगे, हमारी तो शादी नहीं हुई है। एसीपी को पूछो, उसकी हुई थी एक बार। रहने दो रहने दो। फिर गहने दो, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है आज। सर सर फोन कंपनी से राहुल का एड्रेस और उसकी फोटो मिल चुकी है। ये इसे तो पहले देखा है, तो वहीं पर था जहां पर अनुराग का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ सर, उस एक्सीडेंट का ये आई विटनेस था। सर शायद ये कंफर्म करने के लिए मौजूद हो कि अनुराग मरा है या नहीं। और सर एड्रेस भी वही था जहां पे हमें रोज की बॉडी मिली थी सर। अच्छा तो एक बात तो पक्की है कि वो दोबारा अपने घर नहीं जाएगा। आखिरी लोकेशन क्या थी उसकी? सर वहीं पर जहां अनुराग का एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद उसने अपना फोन बंद कर दिया। फोन बंद कर दिया? उसे फोन रिकॉर्ड से क्या पता चला? आखिरी बार, मेरा मतलब है फोन बंद होने से पहले उसने सबसे ज्यादा फोन किसे किए थे? सर ये नंबर पे लगातार फोन कर रहा था सर। कोई छोटू है? है कौन ये छोटू? सरकार मैकेनिक। छोटू कार मैकेनिक, कार मैकेनिक छोटू। सर सर मैं किसी राहुल को नहीं जानता सर, सर सर मैं इंजन ऑयल की कसम खा रही हूँ सर, सर मैं सच कह रहा हूँ। देख सीधे सीधे बता दे, वरना ऐसे ही चमगादड़ बन के लटका रहेगा तू। प्यारी मैडम आप क्या कर रही है, मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, सच कह रहा हूँ मैं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मालूम है, ठीक है इसको बेरो ले चलो। सर लगता है इसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। वो तो आनी ही थी। अब बता। साहब साहब राहुल को मालूम था कि मैं चोरी की गाड़ियों का रंग रूप चेंज करके उन्हें बेचता हूँ। साहब उसने मेरी इसी बात का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं उसे एक गाड़ी दे दूँ, नहीं तो पुलिस के पास चला जाएगा। और साहब मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहता था साहब। ये अनुराग को मारने की प्लानिंग कैसे की ये बता। उस गाड़ी से की थी साहब। उस गाड़ी से मतलब? दीदी उसके लिए आपको वहां चलना पड़ेगा। चल साहब जिस गाड़ी में भिखारी की लाश थी ना साहब, तो उस गाड़ी का कंट्रोल यहीं से किया जा रहा था। सर दो दो स्टेयरिंग व्हील और रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। तो ये चक्कर है, इसकी वजह से लाश गाड़ी चला रही थी और अनुराग की कार के साथ जाके भिड़ गई। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, जो कुछ किया उस राहुल ने किया साहब, मैंने तो सिर्फ गाड़ी बना के दी थी साहब, सब मैकेनिक आदमी हूँ। राहुल कहाँ मिलेगा? अरे ऑफिस में तो कोई नहीं, वो मैकेनिक ने बोला था राहुल यहीं आया है। साहब मुझे जाने दो। साहब सच सच बोल,
नहीं तो ये सारी गोलियां तेरे भेजे में डाल दूंगा। आवाज आ रही है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, वो सब लोग न्यू ईयर पार्टी में गए एक साथ। पार्टी? पार्टी कहाँ पे है? जल्दी बोल, नहीं तो एक गोलियां सर। पार्टी तो हम तुझे देंगे जेल में। सीआईडी? अनुराग का खून क्यों किया तूने? सर सर अनुराग को लगता था कि वो किसी की जिंदगी के साथ भी खेल सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए खून कर दिया उसका। बिना ये जाने कि रोज की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है। रोज की मौत रेडियम पॉइजनिंग की वजह से हुई है, समझे तुम? सर मैं जानता हूँ, लेकिन ये मुझे अभी पता चला। कैसे? वो नताशा का फोन आया था थोड़ी देर पहले मेरे पास। कहाँ है नताशा? सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सर उसने कहा कि रोज की ऑफिस की किसी लड़की का ही रोज की मौत में हाथ है। सर कौन है वो लड़की? रोज की बॉस अलीशा का। अलीशा? वो क्यों मानना चाहेगी रोज को? सर रोज इस ऑफिस के शिपिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी और नताशा ने बताया कि अलीशा रोज से कुछ इलीगल काम कराती थी सर, जैसे स्मगलिंग सर, और उसमें ना सर वो कुछ पैकेट्स में केमिकल डाल के डब्बों में सप्लाई किया करते थे। केमिकल्स? वो रेडियम होगा, तभी रोज रेडियम की चपेट में आ गई। अब अलीशा कहाँ है? सर यही तो मैं इससे पूछ रहा हूँ। कहाँ है अलीशा? सब हमारे कंपनी के मालिक राजेंद्र साहब ने एक पार्टी दी है न्यू ईयर की, सब लोग उसी में गए हैं। अलीशा मैडम भी वहीं गई है। कहाँ है पार्टी? होटल रिवर किंग में। रिवर किंग? हाँ विक्रांत, नताशा होटल रिवर किंग में? नताशा और अलीशा दोनों वहां पे। विक्रांत एक काम करो, तुम होटल रिवर किंग पहुंचो, हम लोग भी पहुंच रहे हैं, वहां कुछ खतरनाक होने वाला है। इसे ही ढूंढते हुए आया था नताशा। हाँ मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। नहीं वो अब तक यहाँ पे नहीं आए, मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। हाँ मैंने कहा ना आपका काम हो जाएगा तो हो जाएगा। लगता है वो आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो। हेलो, नाइस टू सी यू। सेम हियर। मुझे तो लगा तुम नहीं आ पाओगी। आना तो था ही। सूरज कहाँ है? वो सूरज को कुछ जरूरी काम आ गया तो वो बिजी हो गया और नहीं आ पाया। चलो अच्छा है, तुम तो यही हो, चले अंदर। श्योर। आइए। अरे तुम आई नहीं अभी तक। अरे सुनो ये मेरे साथ में है। ओके सर, जाइए मैम। पहले मेरे भाई को छोड़ दो। तुम मेरे साथ सौदा नहीं कर सकती, पहले मेरा काम हो जाए फिर तुम्हारे भाई को भी छोड़ दूँ।
मेरा सामान। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ बोल क्यों नहीं रही हो? ये तो बॉम्ब है, यहां बहुत सारे मासूम लोग हैं, तुम सबको मारना चाहती हो? हाँ हाँ मरेंगे, सब मरेंगे। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? हाँ सुकून, बदला। वैसे तेरे सवाल ना बहुत हो गए, चल पीछे मुड़, सोच क्या रही है, मुड़ो। जल्दी चल। बड़ा हाथ चलाती है? हाँ देख, वंश को बोलो ऊपर जाके देखो। वंश ऊपर, किसी भी हालत में इस नताशा को ढूंढना ही पड़ेगा हमें। सर नताशा इसी होटल पे है, होटल साफ़ का कंफर्म किया है। कहाँ पर देगा? सर लॉबी में 25 मिनट पहले। बस तो चलो फैल जाते हैं होटल में। नताशा यहाँ थर्ड फ्लोर के बाथरूम में। किसने किया ये सब है? कैसे हुआ ये? सिर्फ वो मेरे भाई को जान से मार देते, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। देखो नताशा, जो कुछ भी है जरा साफ साफ बताओ। मेरा भाई उन लोगों के कब्जे में है सर। किसके कब्जे में? अलीशा। अलीशा, अलीशा कौन है? क्या क्या करने वाली है वो? उसने अपने जैकेट को उतार कर उसमें कुछ लगाया था, वो भी उन सामानों से बनाकर जो मैं लेकर आई थी। कह रही थी कि हजारों लोग मरेंगे, इसे सुनकर मैं डर गई और मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो फिर ये अलीशा तो सुसाइड बॉम्ब मरे। हेलो सूरज, तू छूट गया क्या? तू उनके जंगल से भाग गया? तू कहाँ है?
मुझे पता कहाँ है, मैं तेरे लिए मदद करने के लिए किसी को भेजती हूँ। सर, मेरा भाई उनके चंगुल से छूट गया और वो बदलापुर के पास जो पेट्रोल पंप है वहां पे छुपा है। तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हारे भाई का। जाओ जल्दी ढूंढो उसे। तुम चलो मेरे साथ। सर, अभी अनिशा को ढूंढना बहुत जरूरी है, यहाँ के लोगों को खतरा हो सकता है। हाँ विक्रांत, लेकिन होटल को खाली तो नहीं कर सकते ना, अगर अनिशा को पता चला तो वो पूरे होटल को उड़ा देगी। पर सर, हम अनिशा तक पहुँचेंगे कैसे, उसे पहचानेंगे कैसे? सर, मुझे लगता है अनिशा वही है जो रेस्टोरेंट से भागी थी। हाँ हो सकती है, पर सर वो अनुराग, वो अपने क्लिनिक में बम बनाने का सामान किसी को देने वाला था, वही होगी सर, पार्किंग लॉट में शूट आउट के बाद से गायब है। फिर हम तो उसे पहचानते हैं, ढूंढ लेंगे उसे। 12 बजने का इंतजार कर रही थी। 52, 51, 50। सर ये तो लाइट ऑफ हो रही है, अब हम खूनी को ढूंढेंगे कैसे? ढूंढना तो पड़ेगा ही। इसको ढूंढने के लिए अंधेरे की जरूरत है पंकज। सर सर वो देखिए, वो लड़की काले कपड़ों वाली, उसके दांत कैसे चमक रहे हैं, जैसे रेडियम का एक्सपोजर हुआ है। बिल्कुल वैसे चमक रहे जैसे फोरेंसिक लैब में उस लड़की की लाश की हड्डियां चमक रही थी। अभिजीत वही है। श्रेया पूर्वी, उस लड़की के दांत चमक रहे हैं, दबोच लो उसे। लेकिन आपने इसे कैसे बचा लिया? बम तो फटा था। हाँ, लेकिन कितने वक्त मैंने उसका वेस्ट निकाल दिया। और 12 भी पानी के अंदर जब ब्लास्ट हुआ तो किसी को कुछ। फैंटास्टिक विक्रांत, तुम्हारी बहादुरी की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होते हुए रह गया। हमारी बहादुरी से बम तो फटा, पर तुम्हारे प्लान के चिथड़े उड़ गए, किसी को कुछ भी नहीं हुआ और नताशा के भाई को हमने बचा लिया। तो तुम्हारे सारे साथी वो भी पकड़े गए। वैसे ये कहानी शुरू कहां से हुई, जरा हमें भी तो सुना है? नताशा से। उसे शक हो गया था कि हम उसके शॉप से फोन ले जाकर कुछ गलत काम कर रहे। और ऐसा क्यों लगा उसे? रोज की मौत की वजह से। नताशा को पता चल गया था कि रोज की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि रेडिएशन की वजह से हुई थी, और उसे लगा कि अब अगली बारी उसकी है, इसलिए वो डर के छुप गई। फिर हमने उसके भाई को किडनैप किया ताकि वो डर के बाहर आ जाए, क्योंकि हम चाहते थे कि नताशा उस पार्टी में किसी भी तरह चली जाए, क्योंकि वो अकेली थी जो उस पार्टी में बिना किसी सिक्योरिटी चेक के जा सकती थी, और वो भी बॉम्ब के पार्ट्स के साथ, क्योंकि वो पार्टी के होस्ट
और मेरे कंपनी सीईओ राजेंद्र जी की बहुत अच्छी दोस्त थी। ये बम बनाने का सामान और रेडियम तुम्हें अनुराग सप्लाई करता था और उसे डील करने के लिए तुम उससे होटल में मिलती थी। हमारा ये प्लान था कि हम उस रेडियम को बम में डालें ताकि वो बम और भी शक्तिशाली बन जाए। और तुम्हारी प्लानिंग की धज्जियां उड़ गई। रोज की लाश में वो रेडियम एक्सपोज हो गया और इसीलिए तुम पकड़ी गई। इतना मत इतरा क्योंकि बाहर और भी है जो ये काम कर सकता है। अब जो भी होगा देखा जाएगा, पर एक बात अच्छी तरह से याद रखना अलीशा जी, जो भी हमला करेगा ना आखिर उसके हाथ आएगी हार और गले में फांसी का फंदा जैसे तुम्हारे गले में होगा। हमारे छोटे बड़े दोस्त चित्रोले साहब ने हमें फंसाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमने पता लगा ही लिया कि वो जो ऊपर से गिरा हुआ आदमी कहां से गिरा था। वो आदमी प्लेन में से गिरा था, मगर प्लेन के अंदर से नहीं, प्लेन के बाहर से। वो प्लेन एक छोटे एयरपोर्ट से आया था। अब शाम के समय जब अंधेरा था तब ये आदमी किसी भी तरह से उस एयरपोर्ट में घुस गया और इस प्लेन के लैंडिंग गियर में जाके छुप गया। अब हुआ ये कि जब ये प्लेन 35,000-40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तब ठंड की वजह से इस आदमी की मौत हो गई। उस ऊंचाई पर टेम्परेचर होता है -40 degrees। इतनी ऊंचाई पे हवा का प्रेशर भी कम होता है और हमारी नसें फट जाती है। जब ये प्लेन लैंडिंग के लिए दूसरे एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर पायलट ने उस प्लेन का लैंडिंग गियर खोल दिया। अब जैसे ही प्लेन का लैंडिंग गियर मतलब व्हील्स पहिए बाहर आए, उसके अंदर छुपी हुई लाश दहाड़ करके नीचे गिर गई और नीचे लोगों को मिल गई। फिर मिलते हैं, बाय। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।